वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, 7 जून, 7 जून कहते सवेर तो ही भारतीय फौज संतां समेत उन्होंने कुछ प्रमुख नजदीकी व्यक्तियों दी लाशां लभण विच रुझी हुई सी। अखीर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने संत पिंडरांवाले भाई अमरीक सिंह, बाबा ठारा सिंह आदि लाशां मिल गई हैं। भारत सरकार ने बकायदा तौर पर अपने सरकारी न्यूज़ बुलेटिन, टैलीविजन और रेडियो राही सवेरे 8 बजे खबर दे दी कि ये तिने लाशा सानू मिल चुकी हैं और संत पिंडरांवालियां दे बाकी साथी भी मारे जा चुके हैं। खबर में यह भी दसाया गया कि संत पिंडरांवालियां दी मृतक दे श्री अकाल तख्त साहब के तहखाने भोरे विचों मिली है। इस तों बाद फौज ने यह तिने शरीर उत्तरी घंटाघर की ड्यूटी में बर्फ दियां सिल्लां उपर रख दिते, पर श्री हरिमंदर साहब की सेवा में मौजूद सिंह साहबाना किसी ने भी यह शरीर नहीं विखाए गए। इतों तक कि श्रोमणी कमेटी के किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति तो शिनाखत नहीं करवाई गई। हालांकि प्रधान श्रोमणी कमेटी समेत बहुत सारे अहुदेदार फौज की हिरासत में सन। इस तों इलावा दमदमी टकसाल का मुख स्थान गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता भी फौज के घेरे में ही सी, ते उत्थों भी किसी जिम्मेवार सिंह नूं लिया के ये शरीर नहीं विखाए गए। एवें ही संत पिंडरांवालियां दा घर पिंड रोडे जिला मोगा भी फौज के घेरे में सी, पर किसी भी परिवारक मैंबर दी पर किसी भी परिवारक मैंबर की तफ्तीश तो बिना ही फौज ते भारत सरकार संत पिंडरांवालियां नूं मृतक ऐलान कर चुकी सी। आल इंडिया रेडियो तो बाद बीबीसी लंडन ने भी रेडियो खबरां राही भारत सरकार के हवाले नाल इस खबर नूं दुनिया भर तक नशर कर दिता। दूजे पासे फौज ने अपने मृतक फौजियों दीआं लाशां चुक चुक के फौज वल्लों बनाए विशेष कैंप विच भेजणियां शुरू कीतीआं ते नाल नाल युद्ध लड़न वाले सिंघां दीआं लाशां अते आम शरधालुआं दीआं लाशां रैड क्रॉस के मुलाजमां जमादारां अते किराएदार व्यक्तियों नूं अजिहे लालच दे के चुकवाईआं कि इन्हां मृतक देहां तों जो घड़ियां गहना अते नकदी प्राप्त होवे उह तुहाडी होवेगी। इस तरह उन्होंने वालों ये लाशां ट्रालियां विच लकड़ां वांग लद लद के लजाईआं गईआं अते अणमनुखी ढंग नाल बिना पोस्टमार्टम कीतेआं वख-वख थावां ते साड़ दित्तीआं गईआं। इहदे नाल ही सरोवर दी परिक्रमा जो खून नाल लथ-पथ हो चुकी सी उसकी सफाई का काम भी फौज अते कुछ होर सफाई मुलाजमां दी मदद नाल कीता अते सरोवर विच तैरदीआं लाशां नूं भी बाहर कढ़िआ गया। ये सब काम इन्नी जल्दबाजी विच कीते गए कि सफाई करन दे बावजूद भी परिक्रमा विच खून दे धब्बिआं दे निशान उसे तरह नजर आ रहे सन अते कुछ थावां ते खून बह भी रहा सी। जनरल बराड़ अपनी किताब विच लिखदा है कि संत पिंडरांवालियां दी मृतक देह दी शिनाखत पंजाब पुलिस, CID, कुछ होर सरकारी अधिकारियों तो इलावा संतां दे भरा कैप्टन हरचरण सिंह रोडे ने भी की सी। जनरल बराड़ की यह गल बिल्कुल ही आधारहीन है जिसका खुलासा खुद कैप्टन हरचरण सिंह रोडे ने किया है। कैप्टन हरचरण सिंह रोडे के दसन मुताबक कि उस समय वह जलंधर 61 इंजीनियर रेजिमेंट में सूबेदार मेजर से। सवेरे 7 जून 1984 में अपने क्वार्टर तो दफ्तर जाने लिए तैयार हो रहे थे तो 8 बजे की रेडियो न्यूज़ में दसाया गया कि संत पिंडरांवालियां का शव मिल गया है। यह खबर सुन के कहिंदे मैं बहुत परेशानी ते जज्बाती हो गया। मैं तुरंत ही दफ्तर गया ते रेजिमेंट दे कमांडर करनल AK सरहदी नूं मिलिया ते ओह भी इह खबर सुन चुका सी। उसने कहा कि अमृतसर विखे तुहाडा भरा मारिया जा चुका है। मैं उसनूं कहा कि मैं इसे वक्त ही अमृतसर जाना चाहुंदा हां क्योंकि मेरे भरा भतीजे ते होर काफ़ी परिवारक मैंबर उत्थे शहीद होए हैं। तां करनल सरहदी ने कहा कि संबंध विच होर कमांडर तो पुछना पवेगा, शायद वह आग्या नहीं देवेगा। मैं कहा कि मैनूं उत्थे जाण दित्ता जावे, नहीं तो मैं मैनूं गिरफ्तार कर लवो। मेरे जज्बात ते हालात नूं वेखदिआं उसने कोर कमांडर गौरी शंकर तो इजाजत ले ली अते मेरे नाल सूबेदार हंसराज तो होर दो जवानां दी ड्यूटी ला के श्री अमृतसर साहब जाण दित्ता गया। उत्थे चार चुफेरे सन्नाटा छाया होया सी ते पूरी तरह सुन बिरान पसरी हुई सी। असी शाम 3 बजे पूर्वी घंटा घर विखे पहुंचे। थोड़ा अगे वध के वेख्या कि श्री दरबार साहब दे चार चुफेरे अंदरले कमरिआं अते नेड़े दीआं बिल्डिंगां विच्चों धूआं निकल रिहा सी। श्री अकाल तख्त साहब ते सिख फैडरेशन लाइब्रेरी विच्चों अग दीआं लपटां निकल रहीआं सन। सरोवर विच लाशां तैर रहीआं सन।
ते सिख फैडरेशन लाइब्रेरी विचों अग दीआं लपटां लपटां निकल रही सन। सरोवर विच लाशां तैर रही सन ते परिक्रमा दे कमरियां विचों लाशां चुकियां जा रही सन। कुछ थावां ते खून अते मिज दीआं घराला बगियां हुई सन। मेरा वजूद पूरी तरह दहल गया अते दिमाग चकरा गया, पर ऐसे हालात विच घंटाघर वाली फर्श तो ही दरबार साहब मत्था टेकिया ते वेख्या कि घंटाघर की ड्यूटी विच सज्जे पासे महापुरखा समेत तीन शरीर बर्फ उपर पए सन। मेरे मन में किसी किस्म की शंका नहीं सी, क्योंकि सवेरे 8 बजे की खबर सुनने तो बाद ही मैं जलंधर तो चलिया सी कि संतों की मृतक देह मिल चुकी है। फिर मैं सूबेदार हंसराज इन्हां रखी हुई लाशों को पहुंचे जो फौज वालों पहले ही ऐलानिया जा चुकिया सन। मैं संतों की उस देह को बैठ गया, उन्होंने गोड्या उत्ते हाथ ला के नमस्कार करके फतेह बुलाई। उन्होंने सिर के केस पिछे नूं पाए हुए सन, शरीर उन्होंने स्पष्ट सीधा रख्या होया सी। दोनों हत्थां विच सरब लोह दे कड़े सन, एक अख गोलियां बजन नाल बैठी हुई सी, क्योंकि मैनू जदों पहला ही पता लग चुका सी कि संतां दी शहीदी हो गई है कोई शंका नहीं सी। उन्होंने चेहरा मोहरा मोटे तौर पर वेख्या तो मेरा मन भर आया। इस तों बाद दरबार साहब मत्था टेकिया, उस समय टैलीविजन वाले फोटोआं लै रहे सन। इस तरह मेरी भी फोटो लै ली गई और इस आधार पर कहा गया कि संत पिंडरां वाले के भरा ने उन्होंने शनाखत की है। पर मैनू बड़ा अफसोस है कि जनरल बराड़, जिसनों सब कुछ पता है कि कैप्टन रोडे कदों आया, क्योंकि मेरे उत्थे पहुंचने तो 7 घंटे पहला ही संतों को मृतक ऐलान कर दिता गया सी। जनरल बराड़ ने भी अपने वालों लिखी किताब जे बिना तत्थां तो ही लिख दिता कि संतों के भरा तो शनाखत करवाई सी। ये इन्हां दीआं बड़ियां बेहियात शर्मनाक गल्लां हन। जदों मैं श्री अमृतसर साहिब विखे ही सरकारी ऐलान तो 7 घंटे बाद पहुंचा हाँ, तो फिर मेरे वालों शनाखत करन दी की तुक बनती है। पर इसका खंडन मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि भावें मैं अपने तौर पर कोशिश करके से अमृतसर गया सी अते मैनू किसी ने शनाखत करन लई नहीं कहा सी, पर मैं वेख के तो आया ही हाँ। हालांकि कई तरह के शंके खड़े हो रहे सन। साका नीला तारा दौरान जख्मी हुए बहुत सारे अफसर ते जवान जलंधर के मिलटरी हस्पताल में दाखिल सन। इन्हां जख्मियों तो साका नीला तारा हमले बारे होर ज्यादा जानने लई उन्हां दा पता लैण दे बहाने मैं उन्हां कोल जांदा सी। इत्थे एक सिख जवान जिसकी गोडे कोले इक लत्त बड़ी हुई सी, मैं उसनूं पुछया कि तू किहड़ी यूनिट दा है, तो उन्हें दस्या कि मैं 10 गार्ड दा हाँ। ते 6 जून की रात नूं जदों असीं सुनिया कि संत जरनैल सिंह नूं शहीद कर दिता है, तो असीं लाशां उपरों दी लंघ के उत्थे गए, क्योंकि असीं संतां नूं पहलां भी मिलदे रहे हाँ, इसलिए मैं उन्हां नूं जाणदा सी। मैं वेख्या कि वह संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले आप नहीं सी, सगों कोई होर सिंह सी। मैं उसनूं कहा कि खबर आईयां हन कि संतां दा भरा उन्हां नूं वेख के आया। वह कहिंदा कि पता नहीं ये किवें होया, पर यह खबर गलत है। हालांकि मैं उसनूं नहीं दस्या कि मैं तो उन्हां दा भरा ही हाँ। फिर मैं उसनूं पुछया कि तू किवें कह सकदा कि संत शहीद नहीं होए अते लाश किसी होर सिंह दी सी, तू की वेख्या कोई निशानी तो दस। तो उसने संतां दे चेहरे मोहरे ते कद कठ बारे इन विन दस्या। वह कह लगा कि संतां दी दाढ़ी लंबी सी, पर जो मृतक सिंह उत्थे वेख्या वह संत नहीं सी सगो कोई होर सिंह सी। उस दीआं गल्लां सुन के मेरे मन में शक पै गया कि मैं इस सब कासे की चंगी तरह तफतीश नहीं की। जो मैं चाहता तो होर भी बहुत तफशील नाल तसली कर सकता सी, पर मेरे मन में उस समय तो अजिही कोई शंका ही नहीं सी। अजिहियां होर भी बहुत गल्लां सुनिया, पर मैं अपने अहुदे ते ही दृढ़ रहा। केवल अमृतसर शहर ही नहीं, पंजाब जां भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसदे सिख मना ते गहरी सट बजी। 1 जून तो लैके सिखां दीआं नजरां श्री दरबार साहब विखे चल रहे फौजी हमले ते लगियां होईयां सन। भावें सब खबरां दे वसीलियां ते मुकम्मल पाबंदी लगी हुई सी, पर इसके बावजूद सवेरे शाम BBC लंदन तो कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हुंदी सी। ते ज्यों ही 7 जून नूं सवेर दीआं खबरां सुनियां कि दरबार साहब उपर फौजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, पिंडरांवाले संतां दी मृतक देह मिल चुकी है, श्री अकाल तख्त साहब ढाया जा चुका है, श्री हरिमंदर साहब का भी नुकसान होया है, नेड़े तेड़े दीआं कई बिल्डिंगां तहस नहस करके मिट्टी विच मिला दित्तियां गईआं हन। अजिहे खौफनाक दृश दा जिवें जिवें अते जिन्हां जिन्हां नूं भी पता लगदा सिख हिरदे सुन हो के रह गए। बहुत सारे घरां विच सिखां ने चुल्हे अग ना बाली ते भुखण भाणे गहरे गमां दीआं सोचां विच डुब्बे रहे। घरां
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮੱਥਨ ਵਧਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੇ 7 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੋਟੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਿਖਤਾਂ, ਅਣਮੁੱਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਚੱਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਕਮੀਜ਼, ਪਜਾਮਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਦਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਬੜੇ ਸੰਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1930 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 1945 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1945 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ 1946 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਲਿਖਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਸਨ।
केवल ते केवल लाइब्रेरी विच लाइट जग रही सी। ये फौज ने अपनियां गड्डियां तो तारां ला के लाइटां जगाईयां सन। जिवें वह अलमारियां तोड़ रहे सन इसका खड़ाक बाहर आ रहा सी। मैं इत्थों अंदाजा लगाया कि लाइब्रेरी विचों कीमती समान चोरी किया जा रहा है। पर 7 जून 8:30 अग लाई गई। अग इस तरह लगी जिवें पेट्रोल पाउण नाल एकदम लगती है, जां उन्हां कोल कोई होर भी अजिहा कैमिकल हो सकता है जिस नाल एकदम लाइब्रेरी की इमारत नूं अग लग गई। उन्होंने दस्सिया कि जदों मैं 1988 विच जेल तो रिहा होकर वापस आया तो मैं फिर अपनी ड्यूटी ते हाजिर हो गया। उस समय सरदार मनजीत सिंह कलकत्ता मुख्य सकत्तर सन। उन्होंने कोल अकादमी सरदार रणजीत सिंह नंदा जो पुलिस इंस्पैक्टर सी आया तो उसने कुछ किताबां ते गुरु साहिबान के हथ लिखित कुछ हुक्मनामे सरदार मनजीत सिंह कलकत्ता नूं दिते। सरदार कलकत्ता ने मैनू यह सब कुछ दे के कहा कि इन्हां दे नंबर दर्ज करो। जब मैं जाके लाइब्रेरी विच देखिया तो इन्हां ही दस्तावेजां ते पुरानी इन्हां ही दस्तावेजां तो पुरानी लाइब्रेरी की नंबरिंग लगी हुई सी। सो जो इस गल का सबूत से कि दस्तावेज साडी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी विचों चुराए गए सन, ते जिस तों यह भी साबित हुंदा है कि अजे होर भी बहुत सारे कीमती दस्तावेज भारतीय फौज चोरी करके लै गए अते बाकी अखबारां रसालियां दी रहिंद खूंद नूं इस लई साड़ दित्ता तां जो फौज वल्लों साबित कीता जा सके कि समुची लाइब्रेरी का सारा दस्तावेज ही अग नाल सड़िया है। याद रहे कि सिख कौम वल्लों कई बार कोशिशां करन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि नूं जात पत्र देण दे बावजूद भी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी विच चुराया गया समान अज तक श्रोमणी कमेटी नूं पूरा वापस नहीं दिता गया। हमले तो बाद 8 जून तक भारतीय फौज ने हरिमंदर साहब के समुचे कंपलैक्स उपर कब्जा कर लिया सी ते अपने वालों फौज नाल मुकाबला करने वाले सब सिंघां नूं खत्म कर दिता सी। इस दी पूरी तसली करन उपरंत देश का राष्ट्रपति हमले दौरान हुए नुकसान के दृश्य नूं वेखण लई श्री अमृतसर आया। वह भारी सुरक्षा तहत पूर्वी घंटा घर तो लंघ के बुंगा रामगढ़िया नेड़े पहुंचया तो इसे बुंगे के भोरे विचों सिंघां ने इस उपर गोली चला दिती। भावें वह गोली लगन तो बच गया पर इस नाल भारी हफड़ा दफड़ी मच गई। जनरल कुलदीप बराड़ समेत हमलावर फौजी जरनैलों के होश उड़ गए कि असी तो सब मोर्चियां की पूरी तरह तबाही कर चुके हाँ पर सिंह हाले भी बचे हुए ने। इस उपरंत वड्डी गिणती विच अग लाउण वाले गोले इस भोरे विच दागे गए जिस नाल हुण तक बचे सिंह भी शहीद हो गए। भारतीय फौज विच नौकरी कर रहे सिख फौजियों ने कदे सोचा तक नहीं सी कि साडी अपनी फौज ही पवित्र श्री हरिमंदर साहब तोपां ते टैंकां नाल हमला कर सकती है। वह इस घटना तो भावें बेखबर सन पर उन्हां दी जानकारी दे सीमित साधना मुताबक जो फौजी पंजाब विचों छुट्टी कट के जांदा उस तों पंजाब दे हालतां बारे कुछ खबरां मिलदियां जां बीबीसी लंदन तों रेडियो राहीं प्रसारित होण वालियां खबरां तों भी जानकारी मिलदी। ज्यों ही उन्हां नूं खबर मिली कि पंजाब दा बाकी देश ते दुनिया नाल संपर्क कट दित्ता गया तां सिख फौजियां दा विशेष तौर ते ध्यान इस तरफ खिंचिया गया। जदों ये खबर मिली कि फौज ने टैंकां ते तोपां दे गोलियां नाल श्री अकाल तख्त साहिब ढा दिता है, श्री हरिमंदर साहब नूं भी गोलियां दा निशाना बनाया गया है ते समुचा कंपलैक्स पूरी तरह नुकसानिया गया है तां फौजी जवानों विच रोस अते विद्रोह भड़कना सुभाविक सी क्योंकि वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सहुं खा के ही तां देश की राखी करदे आपां वारां दा प्रण लैंदे हन। जेकर श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहिब तोपां नाल उड़ा दिता जाए तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी गोलियां मारियां जाण ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਅਤ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ
अते सिख धर्म उपर हमला है। एक पासे दा भारत सरकार धर्म निरपक्षता दा दावे करती है पर दूजे पासे अपने ही देश दीआं फौजां नाल उसे देश विच वसदे घट गिणती सिखां दे धर्म नूं खत्म करना चाहुंदी सी। इसलिए इंदिरा गांधी वालों धर्म निरपक्षता दे कीते जा रहे वादे खोखले ते बेबुनियाद सन। साका नीला तारा दौरान तोपां टैंकां नाल श्री दरबार साहिब कंपलैक्स अंदर हुई तबाही खंडरात कर दिते गए। श्री अकाल तख्त साहब ते हजारां दी गिनती विच मार दिते गए बेदोशे सिख श्रद्धालुआं आदि नाल जो सिख कौम दे मना विच प्रतिरोध ते रोस फैल रहा सी। इस नूं वेखदिआं इंदिरा गांधी दी कांग्रेस सरकार ने साका नीला तारा दे फौजी जरनैलां भारतीय फौज दे चीफ जनरल वैद्या अते जनरल सुंदर जी नूं हदायत कीती कि किसी भी ढंग नाल जथेदार श्री अकाल तख्त साहब अते हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब वालों कोई अजिहा बयान जारी करवाया जाए जिस नाल सिख मना अंदर भड़क रही ज्वाला नूं शांत किया जा सके। इस संदर्भ विच इन्हां दोहां ही जरनैलां ने अपनी कोशिशां राही श्री हरिमंदर साहब के हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी साहब सिंह अते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी किरपाल सिंह नूं इकट्ठियां कीता अते इन्हां उपर मानसिक दबाव पाया गया कि इस समय तुहाडे वल्लों दित्ते गए सार्थक संदेश नाल केवल श्री अमृतसर साहब या पंजाब विच ही नहीं बल्कि दुनिया भर वादे सिखां दी भावनावां कुछ कुछ शांत हो सकदियां हन। जेकर तुसीं इह कह देवो कि श्री अकाल तख्त साहब दा बहुता नुकसान नहीं होया बस इन्ना ही काफी है। बेशक दोवां सिंघ साहिबानां दे सामणे श्री अकाल तख्त साहब दे गुंबद अते होर हिस्से खंडरात बने नजर आ रहे सन पर इस दे बावजूद उपरोक्त दोवें जरनैलां अते दोवें जथेदारां ने लम्मा समां इकट्ठियां मीटिंग कीती ते अखीर सिंह साहब ज्ञानी किरपाल सिंह वालों ये बयान जारी कर दिता गया कि श्री अकाल तख्त साहब जी का कोठा साहब ठीक ठाक है। याद रहे कि कोठा साहब वह स्थान है जिथे श्री हरिमंदर साहब विखे प्रकाशवान होने वाले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सुख आसन श्री गुरु अर्जन देव जी के समय तो हुंदा आ रहा है। ये ठीक है श्री अकाल तख्त साहब की समुची बिल्डिंग के मुकाबले श्री कोठा साहब का नुकसान घट होया है पर जिथे किरपाल सिंह ने समुचे श्री अकाल तख्त साहब के भयानक हालात ना बयानिया बल्कि केवल कोठा साहब बारे ही बयान दे के सिख कौम नूं हनेरे विच रखिया। इस तरह फौजी जनरल ने यह बयान दबाउण विच तां कामयाब हो गए पर इसका सिख संगतां दे उल्टा असर होया क्योंकि वह समझते सन कि इन्नी भारी तोपां ते टैंकां नाल कीती गई तबाही तो बाद सिंह साहब ज्ञानी किरपाल सिंह का बयान मरी हुई मानसिकता का ही नतीजा है। पंजाब समेत दुनिया भर में वसदे सिखां नूं जिवें जिवें इस घल्लूघारे बारे पता लगा कि किन्नी वड्डी पद्धर ते तोपां ते टैंकां नाल श्री अकाल तख्त साहिब समेत समुचे श्री हरिमंदर साहिब कंपलैक्स का भारी नुकसान होया। इस दे नाल 37 होर गुरुद्वारियां की घेराबंदी करके नुकसान भी किया ते बेअदबी भी। इस दे नाल नाल दमदमी टकसाल के जथे समेत लगभग 300 सिंघां ने भारतीय फौजां का मुकाबला करदिआं शहादतां दित्तियां। हजारां सिख श्रद्धालु जो श्री हरिमंदर साहब के दर्शन करन अते श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी पुरब मनाउण लई पहुंचे हुए सन उन्हां विचों भी बहुत सारे श्री दरबार साहब कंपलैक्स के अंदर निहत्ते ही मार दिते गए जिन्हां नाल समुचे सिख पंथ की दिली हमदर्दी है पर कंपलैक्स अंदर निहत्ते मार जाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों ने भी सबर सिदक ते गुरु पर भरोसा रखिया अते गुरु दर ते लेखे लगन वाले आपो अपने परिवारिक व्यक्तियों की जिंदगी सफल समझिया। उपरंत हजारां सिखां नूं जेल दीआं काल कोठड़ियां विच लम्मा समां बंद रखिया ते सालां बद्दी सिख परिवारां ते अणमनुखी तशद्द दा दौर चलदा रहा। भारतीय फौज वलों दरबार साहिब उपर कीते हमले नूं ना सहारदिआं फौज विचों बगावत करन वाले सैकड़े धर्मी फौजी शहीद होए अते हजारां ही जेल दीआं काल कोठड़ियां विच सुट दित्ते गए। हजारां सिख नौजवान मार के अणपछाते दसदिआं खपा दित्ते गए। इस जुल्मी कहर सदका बहुत सारे घरां विच दो टाइम दा लंगर भी नहीं नसीब हुंदा। अजिहे जुल्मी दौर विच भी सिदकी गुरु प्यारे सिख परिवारां ने धर्म की खातर आपा कुरबान करन वाले अपने परिवारिक व्यक्तियों लई कदे भी अफसोस के अथरू नहीं बहाए बल्कि भारी औकड़ां मुसीबतां भरी जिंदगी बतीत करदिआं सबर ते सिदक रखिआ ते उन्हां महान योधिआं दीआं कुरबानियां ते फकर महसूस कीता। पर श्री अकाल तख्त साहिब समेत धार्मिक स्थाना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपां अमृत सरोवर अते श्री दरबार साहिब की होई बेअदबी प्रति हर सिख मानसिक पीड़ा सहार रहा सी अते नाल ही संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां वल्लों बार बार कहे हुए बचन कि भारत सरकार किसी समय भी दरबार साहिब उपर हमला कर सकती है ये मन नूं टुंब रहे सन।
जिस कारण सिखा अंदर सुती हुई मानसिकता झंझोड़ी गई तो सिख पंथ अपने असली अतीत वल परतदिया गुरु साहिबान वालों दर्शाए गए मार्ग नूं धारण करके अपनी विरासत नूं सांभण विच लग पए। विदेशां विच वसदे सिख जो सिखी ककारां अते दस्तार संबंधी कानूनी हक प्राप्त करन दे यतन विच सन उन्हां नूं हर सहयोग मिलना शुरू हो गया। आम सिख अपनी बखरी कौम पहचान प्रति सुचेत हुए क्योंकि संतां ने सिख बखरी कौम होने प्रति सबूतां सहित प्रचार किया सी। वख वख देशां विच सिखां नूं किरपान पहनण दस्तार सजाउण अते आदि अधिकार सी उह प्राप्त हुए जो एक बड़ी सफलता सी। इस दे नाल ही सिखां ने महसूस किया कि विदेशां विच रहिंदिआं होइआं सानूं अपने मूल विरसे नाल जुड़े रहने लई गुरमुखी सीखनी अत जरूरी है। इसलिए स्कूलां विच जां गुरद्वारिआं विच गुरमुखी पढ़ाउण दा उचेचा प्रबंध किया जिस सदका गुरसिख परिवार नितनेमी बने। गुरबाणी दे नाल नाल सिख इतिहास पढ़न लगे। सिखां दी नवीं पीढ़ी ने विज्ञानिक युग विच मीडिया राहीं सिखी परंपरा की खोज करके सिखी धारण की। दमाले सजाए अमृत छके इस दे नाल साका नीला तारा बारे जानकारी हासिल करन लगी। फिर जिथों भी संत भिंडरां वाले का आडियो या वीडियो व्याख्यान प्राप्त होया उसनों एक दूसरे नाल सांझा किया। इस नाल जिथे नवीं पीढ़ी विच सिखी प्रफुल्लित होण लगी उत्थे संतां बारे वध तों वध जानकारी हासिल करन दी तांग पैदा हुई। श्री हरिमंदर साहब अकाल पुरख तों बरसाया होया ऐसा रब्बी स्थान है जिस बारे गुरु साहब ने बाणी विच लिखिया है, डिठे सभ्य थाव नहीं तुद जेहिया, बदो पुरख विधाते ता तू सोहिया। इस पवित्र स्थान की जाहिरा शक्ति नूं कोई मिटा नहीं सकता अते ना ही सिख श्रद्धालुओं के मन में किसी किस्म का फर्क पाया जा सकता है। इसलिए जून 84 के घल्लूघारे तो बाद दर्शन इशनान करने वालों की गिणती घटना की बजाय कई गुणा बधी है। इस तरह अमृतसर अभिलाखी संगतां विच अमृत छकण की गिणती विच भी भारी वाधा होया। सिखी असूलों की स्वै रखिया अते आत्म निर्भर होण लगे। इस संबंध विच लोड़बंदां की सहायता करन लई देश विदेश ने सिखां दी भावना विच वाधा होया। इस तरह भारत सरकार वल्लों सिखी सरूप ते पहचान खत्म करन दी घिनौनी साजिश कामयाब ना हो सकी, सगों इस तों उल्ट दुनिया भर विच वसदे सिखां दे मनां विच सिखी प्रति निरजतन ही श्रद्धा ते विश्वास वधिया, जिस कारण वख-वख देशां विच सिखी सरूप विच सिख मैंबर पार्लीमेंट हन अते अमृतधारी गोल दमालिआं सहित सरकारां विच वड्डे वजीर हन। इस दे नाल ही नौजवान सिख आनंद कारज की रसम परंपरागत ढंग नाल निभाउण लगे हन। नौजवानां विच गुरबाणी सिखण दा रुझान वध रहा है। ढाडी कबीशर रागी ते कथावाचक ज्ञानी बनन विच नौजवान फकर महसूस कर रहे हन। याद रहे कि भारत की आजादी समय सिख कौम वालों बेमिसाल कुरबानियां करना, आजाद भारत विच कांग्रेस सरकार वालों एमरजेंसी वर्गी धक्केशाही विरुद्ध मोर्चा लगा के जेलां भरनियां। हालांकि एमरजेंसी केवल सिखां विरुद्ध नहीं सी बल्कि समुचे भारत वासियां नाल धक्केशाही सी, जिदा सिख कौम ने धार्मिक ते राजनीतिक तौर ते वड्डी पद्धर ते विरोध करके एमरजेंसी खत्म करवाई। पर जदों सिखां दे केंद्रीय स्थान श्री हरिमंदर साहब ते उसे ही कांग्रेस ने तोपां ते टैंकां नाल हमला किया तां भारत दी किसी भी गैर सिख राजनीतिक पार्टी या धार्मिक संस्था ने विरोध नहीं किया बल्कि कांग्रेस की इस घिनौनी साजिश नूं उत्साहित किया ते इंदिरा गांधी नूं दुर्गा देवी होण तक दे खिताब दित्ते। भारत की समुची आबादी विचों केवल 2% सिखां नूं जुल्म दा शिकार बनाया गया, पर इस दे बावजूद गुरु के सिखां ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अकाल पुरख ते भरोसा रख के जालम शक्तियों विरुद्ध जूझण लई दृढ़ संकल्प रहे। संगत जी इन्नी सेवा प्रवान करनी जी, मुइयां भुल्लां नूं बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।